ऑलराइट, सो दिस इज द गाइस रॉकी एंड स्वागत है अपने चैनल पर रॉकी के। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आपने हमारे थंबनेल में और टाइटल वगैरह में देख लिया कि आज हम क्या करने वाले, तो फाइनली मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा, बट मेरे पास अभी कुछ नहीं है, कुछ सेटअप वगैरह कुछ नहीं है, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है। तो फाइनली मैंने बाय कर लिया एक हेलमेट जो काफ़ी ज़बरदस्त सा हेलमेट है। मैं बहुत पहले बाय कर लिया था इसको, बट अभी मैं इसको सोचा कि क्यों ना ओपन करके देखूँ कैसा है, क्या नहीं है क्या। तो अभी चलो ओपन करके और देखते हैं अपना नया हेलमेट, लेट्स गो और देखते हैं क्या है इसमें। हेलमेट हमारा कहीं और है और वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो देखते हैं हेलमेट मेरा कैसा है कैसा नहीं। ओके गाइस, तो ये हमारा फाइनली हेलमेट और अब हम इसे ओपन करेंगे। ये गाइस ये ओरिजिनल हेलमेट है, अभी दिखते क्या है इसमें। एक्चुअली गाइस आप लोग सोच रहे हो मैं एक्साइटेड हूँ, तो मैं बिल्कुल भी आज एक्साइटेड वगैरह कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले बाय कर लिया है। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे एक दो बार यूज़ भी कर चुका हूँ, तो बिल्कुल मैं एक्साइटेड वगैरह नहीं हूँ। आप लोग देख लो क्योंकि इसका प्राइस देख लेते हैं यार, खुलने से पहले देख लो इसका प्राइस लिखा है क्या मार्केट में। इससे भी अच्छे अच्छे हेलमेट है गाइस। मेरा जो सबसे फेवरेट हेलमेट है गाइस वो है एक्सॉर का हेलमेट, बट मेरा उतना ज़्यादा बजट नहीं था तो मैं रेगा का हेलमेट बाय कर लिया हूँ और ये मुझे पड़ा 1600 रुपये का। तो गाइस इसमें हमें सबसे पहले मिला एक गॉगल लगता हूँ मैं इसमें। कौन है ये, कहाँ से आते हैं, कमेंट में बताओ गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ। और अभी निकालते फाइनली अपनी हेलमेट निकली गाइस डब्बा को फेंको साइड में। डब्बा का कोई काम नहीं गाइस, हमारे काम है हेलमेट का और देखते हैं कैसा है क्या है। हेलमेट नहीं है गाइस, हेलमेट एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, लुक देखो गाइस इसका बराबर। इसको चेक दो गाइस और इसका ये भी दिया है गार्ड, जिसको गार्ड बोले जाता है, ये भी एक गार्ड दिया हुआ है। उसके बाद इसका वाइजर काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली गाइस वाइजर में स्क्रैच वगैरह रहती है, दो दिन में गाइस स्क्रैच लग गया वाइजर, बट मुझे गाइस ये वाइजर अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वाइट लगाना है वाइजर। तो कमेंट में बताओ ये वाइजर अच्छा लग रहा है या वाइट वाइजर सही है। गाइस मैं इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रॉपर आपके चिन माउंट वगैरह जो होता है ना, मोटो लॉगिंग करने वाले यहाँ पर चिन माउंट ऐसे करके लग जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो वो चिन माउंट लगा कर यहाँ पर फोन सेटअप कर लो या गोप्रो कुछ भी कर लो तो उससे भी हो जाता है मोटो ब्लॉगिंग, तो वो भी कर लूंगा मैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट इसके अंदर की जो पैडिंग है ना, पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख लो आपको नज़र आ रहा हो, तो इसका पैडिंग वगैरह काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा है इसका। देखो इनर कितना सॉफ्ट इनर है गाइस, और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टेज पर पहन के। देखते गाइस कैसा है कैसे है। तो गाइस आप बताओ मेरे को मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा एक और बताओ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही गाइस बताओ। तो गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग हेलमेट था और काफी ज्यादा अच्छा हेलमेट है गाइस, लो बजट में काफी ज्यादा बेटर चॉइस है और 1600 रुपया बहुत अच्छा प्राइस में मिल गया मुझे। ये मैंने कहीं फ्लिपकार्ट वगैरह से बाय नहीं किया है, ये मैंने अपने पास के लोकल शॉप में कहीं से पास किया, मेरे घर के आसपास लोकल शॉप था वहाँ से मैंने बाय किया है। दो हेलमेट बाय किया था हमने, एक मैं था मेरा फ्रेंड था, हमने दो हेलमेट बाय किया तो हमें 1600 रुपये का पड़ा। नॉर्मली भैया बोले थे कि ये सब जो हेलमेट है ये 17 to 19 thousand का पड़ता है। ओके गाइस, तो फाइनली जो हमने हेलमेट बाय कर लिया है वो अपने देखते कैसे क्या नहीं।
अभी चश्मा पहन लेते हैं गाइस। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। और हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो गाइस बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि गाइस हम अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी गाइस वो प्रॉपर सेटअप के बारे में, प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप और व्लॉगिंग मोटो व्लॉगिंग वगैरह सेटअप के बारे में होगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखो गाइस, बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में और लाइक करना मत भूलना गाइस। और हाँ जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो किया चढ़ा के फॉलो कर लो, क्या कर रहे हो फॉलो करो चढ़ा।